हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ फुली सबमर्ज्ड बॉडी। तो कोई बॉडी पानी के अंदर फुली सबमर्ज्ड है, जैसे कि सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। तो पहला देखिए, तीन तरह की कंडीशन होती है। एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल, और तीसरी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल तो इसमें ये चीज लगाइए कि मान लीजिए एक बर्तन है इस तरह से, और इसके अंदर मैंने कंचे डाल दिए, तो ये कंचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से रोल करते रहेंगे और यहाँ पे फिर रुक जाएंगे। मेरा एक बर्तन इस तरह से, मैंने ऊपर कंचा रखा, नीचे गया और दोबारा वापस नहीं आया। तीसरा है कि धरती पे इस तरह से रख लिया, न्यूट्रल पोजिशन पे। तो तीन पोजिशन बनती है, तीन कंडीशन बनती है इसकी। वो वाली कंडीशन किस तरह से एक्ट करेगी, वो हम फुल्ली समर्ज्ड बॉडी के लिए अभी देखने वाले हैं। कि मेरे पास यहाँ पे पानी है, पहली कंडीशन हम देखते हैं कि किस तरह से एक्ट करेगी। और ये पानी है और इसमें फुली समर्ज कोई बॉडी है, फुली समर्ज बॉडी है कोई इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से कोई बॉडी है और वो फुली समर्ज है, और जिसका कि जी पॉइंट, जी किसको कहेंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, यहां पे है और बायोंसी फोर्स यहां पे है, बी यहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर एक्ट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा भी इधर मूव करता हूं कि क्या करूंगा, ऑसिलेट कराने की कोशिश करूंगा, इसको मूव करने की कोशिश करूंगा। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि बी यहां पे है और ये वाली बॉडी यहां पे आ जाएगी, इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह से जी यहां पे। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब मेरे पास बायोंसी फोर्स इस तरह से एक्ट करता है और जी इस तरह से एक्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक कपल बनता है और ये बनेगा समर्ज, फुली समर्ज बॉडी के लिए ऐसी कंडीशन होगी। जो दूसरी वीडियो है वो है पार्शली समर्ज बॉडी के लिए या फ्लोटिंग बॉडी के लिए, जिसमें हम मेटा सेंटर वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं। इसमें मेटा सेंटर की बजाय क्या करेंगे कि जी और बी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसमें जी नीचे है और बी ऊपर है, तो इस तरह से देखिए, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, और इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा और ये क्या बन जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर इसकी कंडीशन चेंज होए, कंडीशन क्या चेंज होए कि इसका शेप कुछ अलग तरह की है, शेप कुछ इस तरह की है कि इसका जी ऊपर है। मैं इसको उल्टा कर देता हूं कि शेप इस तरह से बन गई, अब यहां बना लेते हैं कि शेप कुछ उल्टा बन गई, इस तरह से बन गई, चीज उल्टी पड़ी है इस तरह से, जी यहां पे अब और बी बायोंसी फोर्स यहां पे है, और इसको मैंने रोटेट करने कर कोशिश की, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने इसको ऑसिलेट कराने के लिए ऐसे घुमा दिया, लेकिन इसमें जो यहां पे था बी यहां पे है बायोंसी फोर्स और जी यहां पे है, तो ये क्या करेगा, कपल एक्ट कराएगा, कपल एक्ट कराएगा कुछ इस तरह से, देखो ये यहां पे, ठीक है, यहां पे और ये यहां पे। अब एक चीज देखो, अब ये जो कपल है इसको बचाने की बजाय उल्टा डुबाने की कोशिश कर रहा है। आपने थोड़ा सा इधर मूव किया इसको और ये इसने और ज्यादा उसको मूव करा दिया, तो यहां पे ये कपल जो एक्ट हो रहा था वो बचाने के लिए हो रहा था, लेकिन यहां पे जो एक्ट हो रहा है कपल, वो उसे डुबाने के लिए हो रहा है। तो यहां पे जो जो कंडीशन थी स्टेबल थी, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और तीसरी कंडीशन जहां पे जी और बी दोनों कोइंसाइड कर जाए, पतली प्लेट है कोई, आपने पतली प्लेट को जब पानी में रखा तो वहां पे देखा कि जी और बी दोनों ही एक पॉइंट पे आ गए, तो वहां वहां पे क्या बन जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दो अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होना, एक में क्या है कि फुली समर्ज बॉडी के लिए और दूसरा है पार्शली समर्ज, मान लिया कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए हमने एम मेटा सेंटर वाला देखना है हमेशा, और इसलिए फुली समर्ज बॉडी है तो इसमें बी और जी का देखना है कि जी अगर नीचे है और बी ऊपर है तो चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी, अगर मेरा बी नीचे आ गया और जी ऊपर हो गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और बी और जी कोइंसाइड कर देते हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए होंगे।
तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और फिर से एक बार कि अगर मेरी वीडियो आपको देखनी है अलग अलग टॉपिक पे, तो सर्च में लिखिए नाम टॉपिक का और साथ में लिख दिया गियर इंस्टीट्यूट, आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।